हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मैं आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर लाइक रैंडम वेरिएबल है उसके अंदर मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मीन वेरियंस MGF, देन उसके बाद फिटिंग और देन उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मीन वेरिएंस, उसका MGF, ये सब मैं आपके यहाँ पे बता चुका हूँ। सो यहाँ पे आई टेप पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल है। सो यहाँ प्ले लिस्ट में आपको सब कंटेंट दिख जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है, मतलब ये होता है कि लाइक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए स्किल टाइपिस्ट ऑन अ रूटीन वर्क kept a record of mistakes per day during the 300 working days. मतलब ये बंदा 300 दिन की mistakes का एक record रखता है कि zero mistake करता है 143 days, one mistake करता है 90 days, two mistake करता है 42 days, three mistake करता है 12 days, four mistake करता है 9 days, five mistake करता है three day और six mistake करता है 1 day। तो आपको ये बताना है कि binomial distribution से zero mistake कितनी करेगा, कितने दिन करेगा, वन मिस्टेक कितने दिन करेगा, टू मिस्टेक कितने दिन करेगा, मतलब ये तो नॉर्मल है पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जीरो मिस्टेक के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीरो मिस्टेक्स कितने दिन करेगा वो अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। दिस इज द कॉल्ड फिटिंग ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल निकालेंगे, टेबल बनाएंगे यहाँ पे। सो ये निकालेंगे मिस्टेक पर डे, देन यहां पे आपको दे रखा है ये है ना, कितना दे रखा है 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट। इसको हम एक्स भी बोलेंगे। और यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है स्टूडेंट, देखिए यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, दैट इज 143 डेज, 90 डेज, 42 डेज, 12 डेज, 9 डेज, 3 डेज और 1 डेज। हम सबसे पहले यहाँ पे इसका मीन निकालेंगे क्योंकि हमें मीन चाहिए है ना, बिना मीन के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं स्टूडेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कितना होता है, लैम्बडा एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, मुझे लैम्बडा की वैल्यू चाहिए और लैम्बडा इसका क्या होता है, मीन होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन एक्स एफ की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से समेशन एफ, तो समेशन एफ तो कितना दे रखा है स्टूडेंट 300 दे रखा है। आप समेशन एक्स एफ निकालेंगे, तो समेशन एक्स एफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90, 84, 36, 36, 15 and 6 है ना। इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 267। अब हम जानते हैं कि जो मीन का फार्मूला होता है वो कितना होता है, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, और हम जानते हैं इसका जो मीन होता है वो कितना होता है, लैम्बडा होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लैम्बडा होता है, दोनों ये 267 अपॉन 300, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.89 आएगी। तो ये हमारा क्या होगा, लैम्बडा होगा, और ये लैम्बडा उठा के हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.89 पावर एक्स ई की पावर 0.89 अपॉन एक्स फैक्टोरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी जीरो की। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये आएगा पी जीरो, 0.89 पावर जीरो ई की पावर 0.9 अपॉन जीरो फैक्टोरियल। सो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 0.411, देन हम निकालेंगे 0.89 पावर 2 1 ई की पावर 0.89 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल, एक्स की जगह 1 रखेंगे है ना। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.365, देन हम पी 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.89 पावर 2 ई की पावर 0.89 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 0.163। देन यहाँ हम पी 3 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 0.89 पावर 3 ई की पावर माइनस 0.89 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.048। देन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पी 4 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 0.89 पावर 4 ई की पावर 89 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.011। देन हम P5 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 0.89 पावर 5
की पावर माइनस 0.89 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02। देन हम P6 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 0.89 पावर 6 e की पावर डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, और यहां से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.003, है ना, 0.003 आएगा, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जीरो आने की प्रोबेबिलिटी है, अब इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 है, तो इसको 300 से इस Px को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.411 को, है ना, तो 0.411 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये आएगा 1.3.3, दैट इज 1 approximately 123 आएगा, इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 109.5, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1110, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 48.9, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 49, देन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 14.4, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 14, देन यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.3, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3, देन ये आएगा 0.6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1, और ये आएगा 0.09, दैट इज इक्वल टू 0। पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब आप अप्रॉक्सीमेट करें तो अप्रॉक्सीमेट करने के बाद यहाँ जो इसका सम होना चाहिए वो वापस 300 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेट करने पर वो 301 पहुंचा है, अप्रॉक्सीमेट करना भी जरूरी है क्योंकि जीरो मिस्टेक 143 डे हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आई मीन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जीरो मिस्टेक कितने दिन होगी, 123 डेज होगी, है ना, वन मिस्टेक 90 डेज हो रही है, अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वन मिस्टेक 110 दिन हो रही है ना, तो डेज को डालना है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट करके नंबर्स पे लेके आएंगे, पर अप्रोक्सीमेट करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि वो 300 दिन से ज्यादा पहुंच जाए, है ना, सो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये मेरा जो कंसेप्ट है फिटिंग ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा, और स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप यहाँ पे मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें, सो देट कि मैं आगे आपको और भी अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं, और लास्ट में जो प्लेलिस्ट आ रही है इस पे मेरे सभी वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं जो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।